जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उनके हृदय में तो सारे कृष्ण लीला प्रकट होने लग गया, सारे कृष्ण लीला देखने लग गए। उन्होंने जैसे अगस्त मुनि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया था, उन्होंने भी एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा सुना ली। कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट होते हैं, कृष्ण कैसे गोकुल में जाते हैं और कैसे उन्होंने पुतना को मारे, बकासुर को मारे, सकटासुर को मारे, त्रिनाभर्त को मारे, कृष्ण कैसे कालियों का सर पर नृत्य की, कैसे रास रचाए और कैसे मथुरा में कंस को उद्धार किया, कैसे कृष्ण द्वारका गए और 16,108 पटरानियों के साथ में ठाकुर जी की शादी हुई और एक एक पत्नी से 10-10 बेटे, एक एक बेटी हुई और ठाकुर जी ऋषि मुनियों का अभिशाप को ग्रहण करते हुए इन्होंने ये संसार छोड़ करके प्रभु अपना धाम में चले गए। इतना बोले और उन्होंने भगवान कृष्ण की जयकार दे दिया, बोले श्री कृष्ण कोई जयकार ठीक से नहीं दे रहे। अरे प्रभु अभी अवतरण होने वाले, जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में बोल करके ना एकदम चुप करके बैठी गए। परीक्षित महाराज बोले क्या कृष्ण कथा हो गया, बोले हो गया ना, पूरी कृष्ण कथा सुना दी। बोले मैं सात सात चार चार दिन से टकटक लगा करके बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्यों कृष्ण मेरे कुल देवता, मातृ गर्भ में कृष्ण हमें रक्षा की थी और आप तो अगस्त ऋषि जैसे एक चूल भर में सबके सब कृष्ण कथा पान कर लिया, मेरे को तृप्त नहीं मिला, आप तो बढ़ा चढ़ा करके विस्तृत रूप में हमें कृष्ण कथा सुनाओ। फिर उन्होंने तीन तीन दिन तक केवल कृष्ण कृष्ण कथा सुनाई है। तब यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाते हैं। कल जो कृष्ण कथा है बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा कथा कृष्ण है। इसलिए जैसे तीन गंगा कद एक स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक को कल्याण करती है और इसी जगत में जो गंगा भागीरथी ये मरते जगत को कल्याण करती है। एक पाताल में एक गंगा जिसका नाम भोगवती है वो पाताल लोक को कल्याण करती है। उसी तरह जो कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको, जो प्रश्न करते हैं, जो बोलते हैं और जो सुनते हैं, ये तीन लोगों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। कहते कृष्ण कथा में इतने मीठा है। बोले निवृत तस्सई रूप गीय मानात भव औषध छत्र मनोभिरामात तहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरज्यते बिना पशुनाद। कृष्ण कथा इतने मधुर इतने मीठा है, जो आत्मा में जो रमण करने वाले जोगी बड़े बड़े ज्ञानी उनको भी बरबस उनको भी आकर्षण करती है कृष्ण कथा। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी पहले थे लेकिन केवल एक कृष्ण की कथा सुने तो सारे ब्रह्म ज्ञान ध्यान को त्याग दिए हैं। कहते भगवत संसार से अगर कोई पर जाना चाहते हैं, सबसे जो मीठा दवा भगवान की कथा, केवल कथा सुनते सुनते ही संसार से पार हो जाते। इसलिए जिस समय श्री कंस ने कहते ये श्री वसुदेव श्री उग्रसेन का बेटा ये कंस हुआ महादुष्ट, अपना पिता को ही बंदीशाला में डाल दिया, बोले खबरदार मेरे राज्य में कोई भगवान की सेवा भक्ति यज्ञ नहीं कर सकते हो, जो मेरे राज्य में यज्ञ प्रभु का नाम लेगा ना उसको सीधा जेल में बंद कर दूंगा। सारे संतों को जेल में बंद कर दिया। अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया उग्रसेन इतना बड़ा कृष्ण भक्त, उसको बेटा इतना दुष्ट कैसे बन गया। हाँ देखो ध्यान से सुना, कहते उग्रसेन का माँ पद्मा बड़ी सुंदर थी, शादी को बाद में वो अपना पियर गई थी। एक दिन एक सुंदर बगीचा में सब धज करके भ्रमण कर रही थी, एक ध्रुवीय नाम का दैत्य तो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था और पद्मा का रूप देख करके मुग्ध हो गई। उसने झट अपना रूप बदला करके उग्रसेन रूप धारण कर लिया और झट आ गई। पद्मा ने पूछी आप कहां से आ गए हो, बोले मैं जा रहा था तेरे को यहाँ देख करके आ गया। और उसी बगीचा में गुप्त रूप में दोनों को मिलन हुए।
मिलन हुई तो जिस समय वो दैत्य चला गया, पद्मा को लगा ये तो मेरे पति नहीं लग रहा था, ये तो लग रहा था और कोई दूसरा, लेकिन अभी उसका गर्भधारण कर दी। उसने ये बात किसको बोली नहीं, छुपा करके वो जल्दी जल्दी आ गई अपना ससुर घर में, लेकिन ये बात किसको बताया नहीं, वो राक्षस से मेरे गर्भ आ गया और वही बना कंस, महादुष्ट बना उसने, हाँ बड़ा दुष्ट बना, इतने टहलका मचा दिया दुनिया में। पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा शंकर जी के पास में, फिर उन्होंने इंद्र के पास में, सबके सब खीर समुद्र के पास में गए और पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान की उन्होंने स्तुति की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम लोगों का दुख मैं समझ गया, देवताओं तुम लोग जदुवंश में जन्म लो, हे देवियां तुम सबके सब गोप वंश में जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं। एक दिन कंस अपना बहनी देवकी को उन्होंने वसुदेव से शादी करवाया, बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया। स्वयं जब सारथी बन करके विदाई कर रहा था, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस देखा ये देवता वाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, अभी इसको मैं समाप्त कर देता हूं। मैंने से तलवार निकाला, चोटी पकड़ करके जो मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी, किसी तरह से उसको रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसने साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश किया, बोले देव कंस ये शादी का समय है, इतने अच्छे टाइम पर अगर बहन को मारोगे ना, जब तक दुनिया रहेगा तेरा निंदा करते रहेंगे। बोले आकाशवाणी सुनी नहीं, बोले मैंने भी सुनी, बोले तू ये बताओ मरोगे कि नहीं, बोले मरूंगा, बोले मरता कौन है, ये शरीर ही मरता है, लेकिन ये आत्मा न जायते न मृियते और जो नित्य शाश्वत है, नहीं न छिंद्रति शस्त्राणी नहीं न दहति पावक न चय न क्लेदयते आपम नहीं न सोचति मारुत, ये आत्मा नित्य शाश्वत है, अग्नि से जलती नहीं, अस्त्र से कटती नहीं, पानी से भीगती नहीं, ये नित्य शाश्वत है। जैसे एक कपड़ा पुराण होने पर ये कपड़े को हम छोड़ करके एक नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा केवल एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। इस शरीर केवल मरती आत्मा नहीं मरती, बोले जो कुछ हो आज मैं तो जरूर देवकी को मैं मारूंगा। कंस ने कहा देखो तेरे जो डर है ना, ये देवकी से नहीं उसकी संतान से। बोले हाँ, बोले तू मेरे को जानते हो, मैं तो झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने संतान होगा ना, सारे संतान एक एक करके मैं तेरे को दे दूंगा, तुम ये देवकी की मत मारा करो, ठाकुर को जो इच्छा है। उसने मान लिया, उसका पहला बेटा उसने जब कंस को दिया, उसका तो हृदय पानी पानी हो गया, अपना बेटे को काल को हाथ में प्रसन्न हो गया, बोले जाओ तेरे सत्यवादिता में प्रसन्न हूं, अष्टम बेटा को मेरे को देना। अभी कंस ने देखा भैया गड़बड़ी हो रहा है, नारद देखा ये गड़बड़ी हो रही है, बोले क्यों, बोले भगवान तभी आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाए, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव आ रहा है, ठाकुर जी आने में देर कर देंगे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पर पहुंच गए। जब नारद पहुंचे तो उन्होंने गुप्त रूप में उसको बुलाया कंस को, बोले देख कंस मैं अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूं। देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, उसका विषय था तेरे को कैसे मारा जाए, देख ये जितने जदुवंशी कोई नहीं ये सब देवता है, जितने गोपी कोई नहीं ये सब के सब देवियां हैं, तेरे को मारने के लिए षड्यंत्र बना करके ये सब के सब यहाँ पर आए। नारद जी एक कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां, बोले बताओ इसमें पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन, बोले कैसे बोलेंगे, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले उल्टा गिनो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले गुरु जी आप क्या बताना चाहते हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है, बोले नहीं, बोले देखो ये देवताओं को बात समझना बड़ा कठिन है,
तुम इधर से एक दो तीन चार कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करेंगे ना, जिसको तू एक कर रहे हो जाएगा आठ, जिसको आठ करोगे हो जाएगा एक। जब धीरे धीरे आठ भैया बड़े होएंगे, सबके सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले भैया बगैर गुरुजी के ज्ञान ही नहीं होता है। बोले गुरुजी सबको मैं मार दूं। बोले भैया मैं क्यों बोलूं, तू जानता तेरा काम जानता है। बस भड़का करके चले गए और उसने छह बच्चों को मार डाले। देखो यहाँ प्रश्न आता है, भैया नारद जी बच्चों को क्यों मरवाया? बोले नारद जी को इनका पूर्व जन्म की बात याद है। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीज थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। वो इतने सुंदर थी, ब्रह्मा स्वयं बेटी को पर आसक्त हो गए। इन लोगों ने हंसी उड़ाया था, ब्रह्मा जी अभिशाप दिया था, तुम अपना पिता को हाथ में तीन जन्म मर करके मुक्ति मिलेगी। इसलिए उन्होंने मरवाया नहीं, उनको मुक्ति दिला दिया। और ये छह बेटे कौन है? हाँ देखो ध्यान देकर सुनो। भगवान जब आए ये अष्टम गर्भ में आए। यहाँ प्रश्न है कृष्ण आठवां गर्भ में क्यों आए? आज मैं इसकी रहस्य बताऊंगा, फिर कल आपसे मैं सुनूंगा, जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ध्यान देकर सुनो, कल मैं पूछूंगा कौन जो बोलेगा मैं इसको इनाम दूंगा, ठीक है? बोले ये जो छह बच्चों को मारे, ये छह बच्चे है कौन? बोले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। भगवान सिखा देते हैं ये कंस कौन? बोले भय। बोले भजन क्यों करते? बोले भय से भजन करते हैं, क्योंकि अगर भजन नहीं करेंगे फिर 84 लाख जन्म में भटकना पड़ेगा, इसलिए भय से भजन करते हैं। और भजन को द्वारा क्या होता है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पहले हृदय से नष्ट होता है। बोले सप्तम गर्भ में कौन आए? बोले श्री दाऊ भैया। बोले भैया ये दाऊ भैया कौन है? बोले ये संधि की शक्ति के अधिष्ठात्र देवता, ये पृथ्वी का रूप है, अनंत देव है। जो भगवान को धारण करते हैं, ठाकुर जी को जो हृदय में धारण करते हैं, फिर अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ को समझो, बहुत अच्छा मीनिंग इसकी। जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, उसी तरह भक्ति का आठ स्टेजेस है। भक्ति की, भक्ति का सबसे पहला सीढ़ी किया, बोले श्रद्धा। श्रद्धा है तभी आप लोग यहां आकर के बैठोगे, अगर श्रद्धा नहीं होता बैठते नहीं। इसलिए भक्ति का पहला जो सीढ़ी श्रद्धा। बोले दूसरा जो सीढ़ी, बोले साधु संग। श्रद्धा है तब बैठे, पर साधु संग प्रभु की कथा सुन रहे हो। लेकिन जब साधु संग होता है फिर हमें पता चलता है भैया मैं कौन हूं, आया कहां से, फिर जाना कहां, फिर जिसको हम अपना कहते हैं फिर ये है कौन? पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिता भी चले गए, हम भी जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे कहां? फिर सत्संग ऐसे जीव को ज्ञान होता है, हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान है, ठाकुर जी के हम सबके सब बच्चे हैं। जब ये बात पता चलता है, जो तीसरा जो स्टेज है भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब होता है जब पता चलता है भगवान की संतान है, भगवान को भूलने का वजह से इसी दुनिया में आए और ये 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं। फिर जाना कैसे? फिर ठाकुर का शरण लो, ठाकुर जी की भक्ति करो। इसलिए जो तीसरा जो स्टेज है प्रभु का भजन करना, ठाकुर जी की भजन करना शुरू करते हैं। जब प्रभु की भक्ति करना शुरू करते हैं फिर क्या होता है, हृदय में जो अनर्थ, जो अपराध, जो पाप है, वो धीरे धीरे ये काम, क्रोध, लोभ हो धीरे 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 नष्ट होने लग जाता है। जब नष्ट होती है पंचमा स्टेज क्या है? बोले रुचि। बोले रुचि मतलब क्या? जैसे अगर आपको बोला जाए भैया एक माला जप करो, कम से कम 10 मिनट एक माला लेकर बैठ, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता भजन में। लेकिन कोई टीवी में कोई सीरियल आए ना, उल्टा पुल्टा कोई चीज आई, देखना 3-3 घंटा बैठ करके देख लेंगे उसको। जो झूठ मूठ का जो चीज है उसको तो 3-3 घंटा बैठ करके देख लेंगे, जिससे शांति सुख और जीवन में आनंद मिलेगा ना, 10 मिनट भी बैठ करके एक माला नहीं जप कर सकते। बोले क्यों? बोले पाप है। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये पाप है, ये पाप हमें भजन करने
नहीं देता, फिर करना क्या चाहिए? हाँ, ध्यान देकर सुना, फिर करना क्या चाहिए? एक उदाहरण देकर बताए। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए है? खाए हो आप? बताओ मिश्री खाने में कैसे लगता है? मीठा ना कड़वा है? बोलो मीठा ना कड़वा है? मीठा है, लेकिन किसी किसी को मिश्री भी कड़वा लगता है। आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगता है? हाथ उठाओ, कौन बोलेगा? मिश्री भी किसको कड़वी लगती है? आप बता सकते हो किसको? देखना, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए, जिसको जंडिस की बीमारी हो जाए ना, देखना मिश्री तो मीठा है लेकिन उसको मिश्री मीठा नहीं लगेगा। क्यों? बोले अभी उसकी जीभ भी कड़वा होगी बुखार से, ज्यादा बुखार हो जाए हैं, पीलिया की बीमारी में वो भी मीठा भी कड़वी लगती है। लेकिन पहले इतना कोई दवा नहीं होता था, डॉक्टर कहते थे देखो पहले तुम मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री अभी तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, अभी कड़वी लगेगी, लेकिन लगने पर भी छोड़ना नहीं, मिश्री चूसते रहना। मिश्री चूसते 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 धीरे धीरे तुम्हारी ये बीमारी खत्म होती जाएगी, अपने आप खत्म होती जाएगी। ए बच्चा, किसको? बच्चे को पास में बैठा, किसका बच्चा? जा बैठो वहां। इसलिए मिश्री तुम्हें, लेकिन चूसते चूसते क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी सही होते जाएगी। फिर मिश्री इतने मीठा लगने लग जाएगी, इतने मीठा लगेगी फिर मिश्री छूटेगी नहीं। तो उसी तरह ठाकुर जी का नाम इतने मीठा, इतने मीठा ठाकुर का नाम जो सोच भी नहीं सकते हो। हनुमान जी को देखो, दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। हनुमान दिन भर करता है, शंकर जी दिन भर क्या करते हैं? बोले महामंत्र जई जपत महिषा, शंकर भी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। दिन भर देवी क्या करती हैं? देखना हाथ में की माला है, ब्रह्मा जी की चार हाथ में देखना की माला, सरस्वती की चार हाथ में देखने की माला, दिन भर प्रभु का माला ही जप करते हैं। क्यों? उनके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं भगवान का नाम पहले मीठा नहीं लगने पर भी कड़ी लगेगी। बोले क्यों? बोले बीमारी हमारी, ये भव रोग के बीमारी हम, इसलिए क्या करो, इच्छा नहीं रहने पर माला लेकर बैठो, भगवान का नाम जप करो। करते 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 वाल्मीकि अगर मरा मरा करते करते अगर रामायण लिखेगा, अगर सीधा करेंगे तो क्या नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए सवेरे क्या करना, बैठ करके माला लेकर के कम से कम एक माला जप करो, देखना धीरे धीरे पाप दूर होते जाएगी, ठाकुर का नाम अच्छी लगने लग जाएगी। इसलिए रुचि, रुचि मतलब होता है मीठा लगना, अच्छा लगना। उसको बाद में जो छठवां स्टेज है, बोले निष्ठा। बोले निष्ठा का मतलब क्या है? इतने पक्की बन जाओगे जैसे मीरा है। मीरा ने जब भजन की, देखना उसको पति पीछे पड़ गया, देवर पड़ गया, ननद पड़ गई, सास ससुर, यहां तक भी गांव के एक कुत्ता भी पीछा नहीं छोड़ा। आप देखना कोई गंदा काम करना दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, गले में कंठी तिलक लगा, बोले बाबा तू तो साधु बन गए, बाबा बन रहे हैं, देखना सब पीछे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये दुनिया एक अद्भुत दुनिया है, हैं? इतने अद्भुत दुनिया ये। लेकिन मीरा जैसे सारा दुनिया विरोध होने पर भी, लेकिन गिरधर का भजन उसने नहीं छोड़ा। लेखो सारा दुनिया में किसकी नाम हो रही है? मीरा की नाम हो रही है, हैं? इसलिए जितने विपत्ति आने पर भी वो कभी प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ेगा, वो निष्ठा है। उसको बाद में आसक्ति है और भाव है। मतलब उसका क्या लक्षण है? कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगा, कभी कभी आपको लगेगा जैसे ठाकुर जी आए अपना अधरा मृत पिलाकर चले गए, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए हमको स्पर्श करते हुए गए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छमछम छमछम आवाज सुनने को मिलेगी। ये सब लक्षण भाव की, और प्रेमावस्था में ठाकुर साक्षात रूप में दर्शन। इसलिए जो अष्टम स्टेज है, कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, कब आए? बोले कृष्ण का साक्षात दर्शन। इसलिए भगवान ये अष्टम स्टेज में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बोले श्री कृष्ण के कृष्ण चंद्र आने वाले, माता देव की गर्भवती 33 करोड़ देवता आकर के गर्भस्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य
सत्य स ज्वनी नीतम च सत्ये सत्य स सत्यमृत सत्य मित्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। तेतीस करोड़ देवता आकर के सबके सब बधाई गाएंगे आप सब बधाई और सबके सब प्रसाद और बहुत सारे टॉफी खिलौना भी आया है सबको मिलेगा। अभी ये प्रभु जी लोग बड़े सुंदर सुंदर बधाई गाएंगे और सबके सब बधाई में सुंदर सुंदर नृत्य करना। एक तरफ में राधा रानी का पार्टी और दूसरे तरफ में कृष्ण का पार्टी, दोनों का पार्टी में ठीक है। अभी जो कृष्ण का पार्टी हारना नहीं, मैं देखता हूँ राधा रानी का पार्टी जीत रही है और कन्या का पार्टी हार रहे हैं, सबके सब खड़े हैं, हारना नहीं सबके सब नाचना है। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो राम के लाला की जय हो, हे जय श्री राम। तो आइए सबको भाई में नाचना है, जो पीछे बैठे हो आगे आ जाए नाच लीजिए। उस बिंदल मंदिर के द्वार Thank you.
मत दो। हरे कृष्णा, जो बधाई को बाद में कभी देना, कोई मत कभी मत दो अभी, ए उसको मत दिया करो अभी। सभी कहा नाचनी चाहिए, सब लेने लेने देने में लुट गए सब। अभी बधाई मत दीजिए, बाद में अभी सर सभी नाचे नहीं तो कोई नाचने का नहीं सबके सब। अभी बधाई मत दो, फेंक दिया, अभी मत दिया करो, फिर फेंक रहे हो, अभी मत दो फिर। अरे आप लोग नहीं सुन रहे हैं, बधाई बाद में, अभी बात अभी मत दो अभी, नहीं तो कोई नाचेगा नहीं, कोई मत दिया करो अभी, अच्छे तरह से देना सबको, थोड़ी समय नाच तो ले, सबके सब सामने आ जाओ, जितने जितने माताएं बैठे पीछे सब सामने आ जाओ, जितने माताएं सब सामने आ जाओ, जन्म किस किस को खुशी है आप देखा जो बताए खुशी, देखो खुशी की जो खुशी नहीं है, अरे खुशी है तभी तो आनंद मनाना चाहिए, सभी लोग नाचते बधाई में सभी लोग ना चाहिए, उसे भी Love.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Thank you.